अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अरसलान शानी और आप देख रहे हैं अर्दू पाकिस्तान। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मनारे पाकिस्तान पर, जहाँ पर पीटीआई अपना कल जलसा करने जा रही है और पीटीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है और ये कहा गया है कि पीटीआई का ये जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक का सबसे बड़ा जलसा होगा। और एक और भी अनाउंस की गया है ऐलान के जब ये जलसा होगा, जलसे से पहले पहले जहाँ पर नमाज शाह अदा की जाएगी, उसके बाद नमाज तरावी भी अदा की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर इमरान खान चेयरमैन पीटीआई जो है वो जलसे से लोगों से खिताब करेंगे। और अगली बात यह है, अगर मैं इंतजाम की बात करूँ तो यहाँ पर चारों तरफ जो कि है लाइटिंग इंस्टॉल कर दी गई है और यहाँ पर साउंड सिस्टम भी लगा दिया गया है। डिजिटल सिस्टम जो डिजिटल लाइट है स्क्रीन वो भी उनको लगाने का जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो मीनारे पाकिस्तान के चारों तरफ को स्क्रोल किया जा रहा है कंटेनर के बड़े बड़े शिप लगा कर, ताकि इस तरफ जो पीटीए के रहनुमा है, जो पीटीए की लीडरशिप है, वो यहाँ पर आकर बैठे और शायद उसको सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर लगाया जा रहा है कि उसके सिक्योरिटी स्क्रोल करने के लिए लगाया जा रहा है। और यहाँ पर इंतजाम शानदार किए जा रहे हैं, चेयर भी यहाँ पर रखी हुई है जो कि यहाँ पर लगाई जाएंगी और यहाँ पर साउंड सिस्टम का भी इंतजाम बिल्कुल मुकम्मल कर लिए तकरीबन गए हैं। और जो सबसे पहले यहाँ पर बारिश हो चुकी है, आप देख सकते हैं हर तरफ बारिश ही बारिश है। तो पीटीए की जो चेयर इंस्टॉल की हुई थी वो भी बिल्कुल बारिश में भीग रही है। इसके अलावा जो लाइटिंग का इंतजाम किए गए थे वो भी आप देख सकते हैं, वो भी बारिश के अंदर ही भीग चुके हैं। और इसके अलावा जो स्टेज तैयार किया जा रहा था, जो भी पीटीए ने जैसे भी मशीनरी यहाँ पर लगाई हुई थी वो भी यहाँ पर इस तरह से जो कि अब वो देखे जा रहे हैं, वो सारे लोग ये देखे बारिश से बचने के लिए यहाँ पर भागे आ रहे हैं। और हर तरफ जो पीटीए के जलसे की तैयारी थी वो अधूरी तकरीबन रह चुकी है और लेकिन जो भी हो जाए पीटीए कल अपना जलसा इसी तरह से हर कोशिश करेगी। हर तरफ आप देखें बारिश ही बारिश है, तो बारिश की वजह से यहाँ पर जो इंतजाम है वो शायद कुछ अधूरे भी रह सकते हैं। इस वक्त बारिश ने अपना जोर पकड़ लिया है और आप इस बारिश को इंजॉय करें। और जो पीटीए के कारगुना वोटर है वो कल यहाँ पर जब आएंगे तो बारिश में इस सूरत हाल में जलसा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे जहाँ पर तरावी भी पढ़ाई जानी है लेकिन जो यहाँ पर घास है वो तकरीबन भीग चुका है। तो सारी सूरत हाल ये है, ये आप ज़रा देखें हर तरफ हर एक बारिश की तरफ बारिश ही बारिश है। सारा मनारे पाकिस्तान को जितने अतराफ है ये पार्क है सारा का सारा भीग चुका है, चेयर भी बिल्कुल भीगी हो चुकी हैं बारिश की वजह से। जो खासकर इंतजाम किए जा रहे थे वो शायद अब कुछ अधूरे रह जाए, जो कि जो इंतजामिया है वो अब मुकम्मल इंतजाम करने में हमें नाकाम दिखाई दे, लेकिन देखना यह होगा क्या वो इंतजाम कर पाएंगे या नहीं। तो जो अभी सूरत हाल वो ये है कि यहाँ पर बारिश आ चुकी है।